राम राम सा, मैं हूँ प्रिया। मैं हूँ मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्रोसिस रिएक्शन में। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले बाल भारती का ऑफिशियल ट्रेलर पे। और ये एक मराठी मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है नितिन सर ने, और इसमें है सिद्धार्थ सर, नंदिता और अभिजीत सर। तो सबसे पहले हम ये ट्रेलर देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अरे झाड़ू मारतोस काय घराला? इंजीनियरिंग साइड की भी ऐसा दिमाग है इंजीनियर वाला। अजी बेल वाजली, आवाज बदल ले लो मी। जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स है उनके साथ कैसे बात करोगे तुम? मराठी में? मिस्टर देसाई, अपने आप को अपग्रेड करो वरना लाइफ में पीछे रह जाओगे। तुझी शाळा बदलू काय? का नवीन शाळेत जाऊया? इंग्लिश मीडियम शाळेतून नाव काढायचे? हो सर, त्याला इंग्लिश मीडियम मध्ये टाकतो आम्ही। द जर्नी ऑफ, इट्स नॉट जर्नी, इट्स जर्नी। हु टॉट यू दिस? द जर्नी। रॉकी सर, यस, ते आम्हाला इंग्लिश शिकवणार। इंग्लिश शिकण्याची पहिली पायरी म्हणजे चुकीचं इंग्लिश बोलायचं, चुकलात की मिळणार टाळी। त्यांच्या स्कूल मध्ये रॉकी सर आलेले। आपण सगळे एकमेकांशी इंग्लिशच बोलणार। यू टी इटी घासड लॉंग लॉंग। तू बालशास्त्रज्ञ परीक्षेला बस। बालशास्त्रज्ञ? आमच्या शाळेत काय बोलायला गेलं तर हसतात रे सगळी। मला इंग्रजी आलं म्हणजेच तो हुशार असं अर्थ होत नाही का? पोराचं बालपण हरवता कामा नये। बाबा परीक्षेत तू पास झालायस आणि तुझ्या यंत्राचं मॉडेल दाखवायचं त्यांना। आता मी सादर करणार नाही, एक तर मला येत नाही ना। तो गाइस, ये था बाल भारती का ऑफिशियल ट्रेलर। और ये ट्रेलर स्पेशली मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इस मूवी का जो टॉपिक होने वाला है ना, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। कि मतलब जो अभी जैसा सब कुछ चल रहा है कि इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इंग्लिश आनी ही चाहिए सबको। तो ये हाँ, उसी को पूरा ये जैसे इसमें दिखाया गया कि सिद्धार्थ सर को बोला जाता है कि भाई आप अब अपडेट हो जाइए, आप अगर फॉरेन क्लाइंट्स आएंगे तो उनसे क्या मराठी में बात करेंगे। तो ये मतलब उनके लिए वो उनके दिमाग में बैठ जाते हैं। हाँ। अपने बचपन से वो इतने इंटेलिजेंट इसके अंदर दिखा रहे हैं, वो गाड़ियां बना रहे हैं, वो पता नहीं क्या क्या चीजें बना रहे हैं। हाँ। उनका बच्चा भी इतना ज्यादा स्मार्ट दिखाया है, बट वही है फिर वो वहीं से अपने बच्चे को सोचते कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालेंगे, वो इंग्लिश सीखेगा। हाँ, कुछ कुछ इसमें फन एलिमेंट्स भी है, काफी कुछ फनी डायलॉग्स भी है। इससे ज्यादा हमें मराठी नहीं समझ आती और इसमें सीसी नहीं था। लेकिन सबसे हाँ। बड़ी बात ये कि मतलब बंदे को उनके काम से मतलब जाना जाना चाहिए। हाँ। कि भाई यहाँ इसने इतना अच्छा काम किया है, इसलिए इसको सब लोग जानते हैं, उसकी भाषा को लेके नहीं। अगर इसको हिंदी आती है तो हिंदी, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश। हाँ। ऐसा नहीं है कि भाई उसको इंग्लिश आनी ही चाहिए अगर उसको कुछ बड़ा करना है। बस उसको सामने वाले को समझाना आना चाहिए। हाँ। कि वो क्या बता रहे, कन्वे करना आना चाहिए। लैंग्वेज नहीं है, कोई मैटर ही नहीं करती, बट इस मूवी में ये चीज दिखाई दी। और फिर उसके बाद वो जो इंग्लिश टीचर की एंट्री दिखाते हैं और वो जिस तरह बच्चों को समझाते हैं ना, सच में वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। वैसे ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी। हाँ। मतलब आप इसे फैमिली मूवी बोल सकते हो, या पूरी फैमिली बच्चों के साथ सब मतलब साथ में। और ये मतलब हकीकत दिखा रहे हैं। हाँ। अभी के टाइम की हकीकत है कि भाई जो मिडिल क्लास है, जो जिनके पेरेंट्स हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती, कि वो मतलब इंग्लिश स्कूलों में नहीं पढ़े और फिर उनके मतलब बच्चों को वो इंग्लिश स्कूल में भर्ती कराते हैं कि भाई उनके बच्चे हैं जो उनसे आगे निकल सके, उनसे मतलब इंग्लिश बोल सके, इंग्लिश समझ सके। तो ये इस मूवी में भी ऐसा कुछ दिखाया जाएगा। तो स्पेशली मुझे तो ये ट्रेलर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। और आपको ये ट्रेलर कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना। और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना और अपना सपोर्ट इस चैनल को ये भी बनाए रखना। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
बाय बाय.